बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। प्रारंभिक निष्कर्षों में बताया गया है कि उनकी मृत्यु कार्डियक अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है, प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि गायक की मृत्यु हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह की रुकावट के कारण हुआ है। उनकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी। जांच में ये भी पाया गया कि गायक लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि उनकी लिवर और फेफड़ों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आपको बता दें, केके के सिर और होंठ पर चोट होने की वजह से पुलिस ने असामान्य मौत का केस दर्ज किया था। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि केके का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिंगर लंबे समय से कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम यानी हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। केके की मौत के बाद कॉलेज प्रशासन पर भी उंगलियां उठने लगी। जानकारी के मुताबिक नजरुल मंच यानी जहां केके ने अपना आखिरी कॉन्सर्ट किया था की क्षमता 2500 से 3000 तक थी, लेकिन कॉन्सर्ट के दौरान 5000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। इनमें से कई लोग सीढ़ियों पर बैठ के तो कहीं लोग खड़े खड़े ही शो को देख रहे थे। केके की मौत के बाद कॉन्सर्ट के दौरान हुई खराब व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कार्यक्रम स्थल का एसी काम नहीं कर रहा था। ऐसे में कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की महानिदेशक सुप्रियो मैथी के नेतृत्व में केएमडी की एक टीम ने बुधवार को दोपहर नजरुल मंच की बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। यहां पाया गया कि कॉन्सर्ट के दौरान कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ मौजूद थी। कोलकाता के मेयर और राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम के मुताबिक केके की लोकप्रियता के कारण संगीत कार्यक्रम देखने के लिए युवा बड़ी संख्या में आए थे। हाकिम ने ये भी कहा कि केडीएम के अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि कॉलेज फेस्ट के लिए अब ये जगह नहीं दी जानी चाहिए। हाकिम ने नजरुल मंच में एयर कंडीशनिंग मशीनों के खराब होने से भी साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर क्षमता से दुगनी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाती है तो इसमें मशीनों का क्या दोष है। आपको ये भी बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गायक को कथित तौर पर सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद अस्पताल ले जाने से पहले कोलकाता के एक होटल के गलियारे में टहलते हुए देखा जा सकता है। हालांकि केके के मौत के बाद उनके परिवार वाले और उनके फैंस इस बात पर नाराज हैं कि अगर केके को कार्डियक प्रॉब्लम थी तो कॉलेज प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। उनका मानना है कि लापरवाही के चलते ही केके की मौत हुई है। गौरतलब है कि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट 72 घंटों के बाद आएगी और तब तक कोई भी अंतिम निर्णय लेना काफी मुश्किल है। आपको बता दें, केके का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद मुंबई लाया जा चुका है। पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए उनके वर्सोवा स्थित कॉम्प्लेक्स के हॉल में ही रखा जाएगा। अंतिम दर्शन का समय सवेरे 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 रखा गया है। वहीं अंतिम यात्रा का समय दोपहर 1 बजे रखा गया है।